हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अब ये जो हमारा आई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का टॉपिक है ये हमारी प्रीवियस वीडियो से मैच करता है जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा तो हमारी प्रीवियस वीडियो रिलेटेड थी हमारी रूट किट से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा आई का इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का ये हमारा मैच करेगा रिलेट करेगा रूट तो तो एक 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 छोटा सा दूंगा, छोटी सी में आपको बताऊंगा कि कि होता क्या तो जो है। है है जो जो करते हैं। आपके system का, आपके system के administrator level का, का के अगर constantly अगर हैकर को चाहिए तो वो जो है रूटकिट एक नाम का सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका यूज करते हैं अब आज का जो हमारा टॉपिक है आईडीएस एंट्रियोजन डिटेक्शन सिस्टम ये रूटकिट से कैसे मैच करता है तो रूटकिट एक सॉफ्टवेयर है जो की हैकर आपके सिस्टम का एक्सेस करने के लिए बट एज ए यूजर उसके अगेंस्ट हमें कुछ सिक्योरिटीज भी तो प्रोवाइड करनी होंगी हमारे सिस्टम को ताकि वो जो है हमारे सिस्टम का एक्सेस ना ले सके ना ले पाए तो इसलिए जो है हमारा आईडीएस नाम का एक सिस्टम बोल सकते हैं आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जो कि आपके थ्रू आउट द सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल किया जाता है ताकि आप जो है रूटकिट के जैसे अटैक से बच सके इंट्रूज डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस जिसको

या फिर आप बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है अभी करता क्या है ये मॉनिटर करेगा आपके नेटवर्क ट्रैफिक को किस चीज़ से फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड इशूज़ अलर्ट अब आप इसे बोल सकते हैं ये एक तरीके का आपका एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर या फिर एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या फिर एंटी सिक्योरिटी सिस्टम जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपके लैपटॉप्स के अंदर या फिर आपके डिजिटल डिवाइसेस के अंदर जो है इंस्टॉल होता है फॉरवर्ड व्यू में एंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है एक सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर इश्यूज अलर्ट आते हैं बेसिकली जो कि वायरसेस के अलर्ट आते हैं पोपअप आते हैं आपके सिस्टम के अंदर आपके डिजिटल डिवाइस के अंदर उनको जो है मॉनिटर करता है ओवर द नेटवर्क अब ये होगा कैसे अब आईडियस बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ अब जब भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है इनबिल्ट आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है तो जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिस्कवर्ड होगी जैसे सपोज अगर थ्रू वेबसाइट थ्रू ओवर द इंटरनेट हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर वायरस कंटेन होता है तो हमारा जो डिवाइस है वो हमें एक पॉपअप मैसेज देता है वायरस अलर्ट तो उस वायरस अलर्ट को जो है हम डिजिटली या फिर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के टर्म्स में इश्यूज अलर्ट बोलते हैं या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी बोलते हैं ये एक्टिविटीज क्या कर, कर सकती है आपके सिस्टम को हार्म कर सकती है इश्यूज अलर्ट और सस्पिशियस एक्टिविटी जो आपके सिस्टम को हार्म करेगी उसको जो है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आई जो है मॉनिटर करेगा अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे तो बेसिकली ये जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो की क्या करती है आपके सिस्टम के नेटवर्क स्कैन करती रहती है जैसे आपका एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर करता है उसी तरीके से और यह क्या करेगा आपको हार्मफुल एक्टिविटी या फिर पॉलिसी ब्रीचिंग से जो है आपके सिस्टम को बताता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी वायरस या फिर कोई भी ऐसी फाइल जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकती है आपके डेटा को ब्रीच कर सकती है वैसी एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर हमारा आईडीएस कुछ स्कैन करता है तो वो जो है आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर देगा या फिर वैसी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा ताकि आपका सिस्टम जो है हार्म ना हो या फिर आपका डेटा जो है ब्रीच ना हो अब ऐसी तरीके की कोई भी मलिशियस वेंचर या फिर वायोलेशन अगर होती है तो वो जो है हमारे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट होती है हमारी विंडोज के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर हमारे कर्नल के अंदर जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर दूसरा पार्ट है कि जो भी हमारी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है उसको अगर हमारा आईडीएस डिटेक्ट करता है तो उन सभी सस्पिशियस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डेटा है जो भी फाइल्स है उन सभी को जो है वो सेंट्रली कलेक्ट करके जो है एक एस आई ई एम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट नाम का एक सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हमारे डिजिटल डिवाइसिस के अंदर जो कि क्या करेगा इन सभी फाइल्स को होल्ड करके रखता है और ऐसी जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज से रिलेटेड फाइल्स हैं डेटा है उन सभी को जो है वो ब्लॉक कर देता है यहाँ पे कुछ दो तीन की वर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ पहला है हमारा आई डी एस एंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम और दूसरा मैं यहाँ पर बात करूँगा एंटी मैनवेयर सॉफ्टवेयर या फिर एस आई ई एम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये पूरा प्रोसेस जो है आई का ब्रीफ ओवरव्यू है तो अब थोड़ा एस के बारे में जानते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि एस और IDS ये दो ऐसे की वर्ड है जिनपे मैं ज्यादा फोकस करूंगा इस वीडियो के अंदर बिकॉज जो हमारा पूरा आई का प्रोसेस है आई का सिस्टम है वो इन्हीं दो की के रिवॉल्व जो है रहता है तो आईडीएस के बारे में आपको बता चुका हूं अब हम डिस्कस करेंगे एस के बारे में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम अब ये बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि आपके इंटीग्रेटेड आउटपुट जो होते हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेज से आईडीएस ने कलेक्ट करे हैं उन सभी को जो है फिल्टर करता है और अलार्म एक जनरेट करता है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके की कि कि किस टाइप का अटैक या फिर किस टाइप की मलिशियस एक्टिविटी जो है आपके सिस्टम के अंदर की जा रही है या की जा सकती है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फेक मैसेजेस या फिर कुछ फेक अलर्ट्स जनरेट कर दे हैकर्स हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करके तो उस टाइम पे जो है हमारा एस आई ई एम सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का जो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो आई के थ्रू इंस्टॉल होता है वो क्या करेगा सबसे पहले जो भी हमारे सिस्टम के अंदर मलिशियस एक्टिविटीज हो रही है उन सभी को कनेक्ट करेगा आईडीएस और एस के पास भेज देगा अब वहां पे एस क्या करेगा उनको डिफ्रेंशिएट करेगा और अलग अलग टाइप के अलार्म फिल्टरिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है वो हमें बताएगा कि किस टाइप का अटैक आपके सिस्टम में हो हो रहा है, है जो जो भी अलार्म्स जो भी फ़ॉल्स सकता और अगर मैं इसकी फाइन ट्यूनिंग के बारे में बात करूँ की प्रॉपरली वर्क कैसे करेगा तो ये जो है जो हमारा जो की क्या करेगा मॉनिटर करेगा हमारी नेटवर्क को किस चीज के लिए मलिशियस एक्टिविटी से बचने के लिए वो वहां से जो डाटा कलेक्ट होगा वो एस के पास आएगा और उसके बाद जो है ये जो है अपना अलार्म फिल्टरिंग टेक्निक्स या फिर ब्लॉकिंग के मेथड को फॉलो करते हुए अपना प्रोसेस को कम्पलीट करेगा इसी वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आई का जो हमारा सिस्टम होता है आई के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं इंटूजन डिटेक्शन सिस्टम के जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो है हमारे सिस्टम के अंदर पहले इंस्टॉल किए जाते हैं तभी जो है हमारा एस आई ई एम का प्रोसेस जो वर्क करता है शॉर्ट वे में आप एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर या फिर एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में यूज़ करते हैं तो उसी का जो है एक छोटा सा एडवांस वर्जन है या फिर मैं कहूँगा कि डिटेल्ड वर्जन है जो कि एस आई ई एम कॉन्सेप्ट और आई डी एस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है तो ये जो है प्रॉपरली पूरा गेम चलता है आई डी एस को सेटअप करने के बाद और आई डी एस आपका कब सेटअप होगा जब आपके सिस्टम में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और वो क्या करेगा जो भी हमारा नॉर्मल ट्रैफिक होता है ओवर द इंटरनेट जो भी हम सर्फ करते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के थ्रू और जो भी हमारे अटैक्स आ रहे हैं नेटवर्क के थ्रू जिसे मलिशियस एक्टिविटी कैटेगरी में रखते हैं उन सभी को जो है ये सेपरेट करता है हमारा आई सिस्टम और एस सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है एस का प्रोसेस है और आई का प्रोसेस मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर चुका हूँ अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो कि क्या करेगा आपके सिस्टम के अंदर मेलिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए डिटेक्ट करेगा कि मेलिशियस एक्टिविटी है या नहीं है इसी से रिलेटेड टर्म है आईपीएस पी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो कि क्या करेगा जो भी उसने मॉनिटर की है आईडीएस ने थ्रू नेटवर्क उनको क्या करेगा हमारे पास जो भी अटैक्स आते हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर पैकेट्स की फॉर्म में फाइल की फॉर्म में आते हैं जो कि हमारे सिस्टम में एंटर करने के बाद बहुत ही फास्ट वे में जो है ग्रो करते हैं हमारे और हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं तो आई सिस्टम क्या करेगा जो भी आईडीएस ने डिटेक्ट किया है मॉनिटर किया है उसको जो है ब्लॉक कर देगा या फिर हमारे सिस्टम से कंप्लीटली डिलीट कर देगा ताकि जो भी मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे डिजिटल डिवाइस के अंदर उन सभी से जो है हम बच सके ये या तो ब्लॉक कर देगा अगर कुछ ऐसी चीजें जो कि हैकर्स कर रहे हैं या फिर ये चीज अगर हमारी तरफ से हो रही है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जो है यूजर की गलती से हो रहा है तो अगर यूजर कुछ ऐसी गलती कर रहा है जो कि वायरस रिलेटेड फाइल या फिर मलिशियस एक्टिविटी रिलेटेड फाइल सॉफ्टवेयर एपी के ऐसी कुछ चीज डाउनलोड कर रहा है कि अगर हम कोई इंटरनेट के करते हैं और वो वायरस रिलेटेड फाइल है तो वहां पर जो है हमें वायरस अलर्ट या फिर वायरस तो वो जो है आईपीएस सिस्टम वर्क करता है और वही आईपीएस सिस्टम जो है हमारे लिए पॉपअप जनरेट करता है थैंक यू